असल फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? जीटी मोड माफिया की जानिब से मैं हूँ मोहम्मद वकार। तो फ्रेंड, आज है संडे, तो तुम्हारा भाई लेके आया तुम्हारे लिए एक और ग्राफिक्स मोड, बहुत ही ज़बरदस्त। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर, आप संडे के अलावा काम क्यों नहीं कर रहे? देखो यार, संडे के अलावा मेरे जो दूसरे चैनल हैं मैं उनको टाइम देता हूँ, तो संडे मैंने इस चैनल के लिए निकाल के रखा है बड़े मुश्किल से। तो इसलिए यार सारा थोड़े से दिन वेट करो, फिर तुम्हारा भाई रेगुलर वीडियो अपलोड करेगा, संडे के अलावा भी वीडियो अपलोड करेगा। लेकिन फिलहाल हर संडे को आपको लाजमी वीडियो मिले। तो चलें, अब चलते हैं अपने मूड की तरफ। तो मूड बड़ा ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत गाड़ियाँ तुम्हारे भाई ने ऐड की हैं, रोड के टेक्चर चेंज किए हैं, आपको एक ENV फाइल दी है। इसके अलावा बिल्डिंग्स वगैरह बहुत कुछ मैंने चेंज किया है, जो कि आप गेम प्ले में देख लोगे। गेम प्ले में यार देखो, मैं पूरा गेम प्ले तो बना नहीं सकता, 1 घंटे का गेम प्ले बन जाएगा अगर एक एक चीज़ को मैं आपको दिखाने लग जाऊँ कि मैंने क्या क्या ऐड किया। तो इसलिए तुम्हारा भाई छोटा सा गेम प्ले बनाता है, बाकी जब तुम डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो तुम खुद ही देख लोगे। और उसके बाद रही ENV फाइल की बात, तो देखो भाई ENV फाइल हाई PC के लिए है, तो अगर अच्छा PC है तो यूज करना, वरना मत यूज करना। तो अब से तुम्हारा भाई डाउनलोडिंग का मेथड नहीं दिखाया करेगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है डाउनलोडिंग के मेथड की वजह से। तुम सब लोगों को डाउनलोड करना आता ही है, और जिन लोगों को डाउनलोड करना नहीं आता उन लोगों के लिए मैं हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जिसपे हाउ टू डाउनलोड की एक वीडियो मैंने बना दी है, तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोडिंग का तरीका जो है वो देख सकते हैं। तो फिलहाल ये तो आपने हमारा गेम प्ले देख लिया, अब चलो चलते हैं हम अपने इंस्टॉलेशन मेथड की तरफ। डाउनलोड होने के बाद ये फाइल आपके सामने आएगी, और अगर फाइल साइज की बात की जाए तो तकरीबन 884 MB का इसका फाइल साइज है। थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप लोग डाउनलोड कर लोगे क्योंकि मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो सिंपली करना क्या है, आपने इस पर डबल क्लिक कर लें या राइट क्लिक करके स्ट्राइड हेयर कर लें जैसे आपका दिल करता है, और अपनी GTA San Andreas गेम को ओपन कर लें। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि गेम फ्रेश होनी चाहिए, कोई भी मूड इसमें इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी मूड इंस्टॉल होगा तो आपकी गेम मसला कर। तो सिंपल यहाँ पर आपको मिलेगा कॉपी टू गेम फोल्डर का एक ऑप्शन, आपने यहाँ पर कंट्रोल और A के बटन को प्रेस करना है, और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉ कर देना। तो रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आपने इसको रिप्लेस कर देना। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आपको मिलेगा एक ENV का ऑप्शन। तो ENV फाइल, देखो भाई मैं सिंपल बात कर रहा हूँ आपको कि ENV फाइल जो है ये हैवी PC के लिए है। अगर तो आपके पास एक अच्छा PC है और एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो भाई यूज करना, वरना मैं आपको ये नहीं कहता कि भाई आप इसको यूज करना। तो फिर दोबारा से आपने कंट्रोल और A के बटन को सिलेक्ट करना है और ENV फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर लेना। तो यहाँ रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, तो आपने इसको जो है रिप्लेस कर देना। तुम्हारा मूड भी इंस्टॉल हो चुका है, प्लस ENV फाइल भी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं गेम को रन कर लेते हैं। तो जो ENV के बगैर यानी कि इस मूड को यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने GTA साइन अप पर क्लिक करके रन करना है, और जो ENV के साथ मूड को रन कर रहे हैं तो उन्होंने ENV पर क्लिक करके रन कर लेना। जैसे फ्रेंड, हमारा जो मूड है वो विद ENV रन हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये विदाउट ENV कैसा दिखता है और विद ENV कैसा दिखता है। तो यहाँ पर जो है हम बात कर लेते हैं कि ये विदाउट ENV आपको कैसा मिलेगा और विद ENV। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट और एंटर के बटन को प्रेस करना है, यानी कि मैं कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ से मैं इफेक्ट को बंद कर दूंगा, ठीक है, और ये शेडो को भी मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। अब मैंने इसको बिल्कुल सिंपल कर दिया है, तो मैं दोबारा से शिफ्ट और एंटर दबाता हूँ। तो भाई जान, ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको विदाउट ENV, ठीक है। और अगर इसी के अंदर हम सिंपल के अंदर अगर हम नाइट मूड करते हैं, तो यहाँ टाइम में आता हूँ और मैं यहाँ से कर देता हूँ नाइट मोड। तो नाइट मोड आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा सिंपल के अंदर, ठीक है। ये सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं बात कर लेते हैं ENV की। तो अगर आप ENV को यूज़ करते हैं तो आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये ब्लर शलर मैं ऑफ़ कर रहा हूँ फिलहाल। तो अगर आप ENV को यूज़ करते हैं और ब्लर शलर को ऑफ़ करते हैं तो आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है ENV के साथ। ENV के बगैर भी आप इजीली यानी कि काफ़ी अच्छी आपकी जो है गेम की जो है टेक्चर वगैरह आपकी गेम के फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर हमने 7 के बटन से चीट मेनू दिया है, जिसमें आपको सारी न्यू बाइक्स कार वगैरह जो हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है फ्रेंड। और इसके अलावा जो है हमने आपको क्या दिया है, इसके अलावा यहाँ पर हमने आपको F2 के बटन से चीट मेनू दिया है, जिसमें आप जो है वेदर वगैरह चेंज कर सकते हैं, टाइम वगैरह, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से वेदर कर देता हूँ रैनी यानी कि बारिश वाला मौसम कर देता हूँ, तो बारिश वाला मौसम आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और टोटल गाड़ियाँ तो आप नज़र आ रही है ना आपको, वैसे भी गेम प्ले में भी मैं दिखा चुका हूँ, वैसे भी आपको नज़र आ रही है। टोटल गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, स्पोर्ट्स कार मिलेंगी, काफ़ी अच्छी खूबसूरत गाड़ियाँ मिलेंगी। तो फ्रेंड, ये था आज का हमारा मूड, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त था, हमने बनाया तो हमें तो लग रहा है ज़बरदस्त। अब आपको कैसा लग रहा है आपने कमेंट में बताना है। और भाई, रोज़ा रख के वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल लगता है, तो मेहरबानी किया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई,
लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक अच्छे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।